सो फाइनली गाइस, आज से हम खेलने जा रहे हैं गॉड ऑफ वॉर गेम्स की सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज। लोग प्ले स्टेशन लेते हैं यार, गेम खेलने के लिए लेते हैं, इसी गेम को खेलने के लिए प्ले स्टेशन लेते हैं। और ये मेरे पास सीरी है गॉड ऑफ वॉर की, और इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज जो हमारे गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है क्रेटोस, इसकी वाइफ फे की स्टार्टिंग में ही डेथ हो जाती है। अगर आपने गॉड ऑफ वॉर 3 की स्टोरी देखी हो तो आपको पता हो, बट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला टास्क जो हमको मिला है ना, वो हमें कोई बहुत बड़ा राक्षस नहीं मिला जिसे हमको लड़ना है, हमें लकड़ी काटनी है भाई साहब, लकड़हारा बना दिया गया है हमको। बट कोई बात नहीं, जो भी ड्यूटी मिलती है उसको अच्छे से कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लकड़ी काटते हैं और फिर इसको बाजार ले आएंगे, बेच के आएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, घर का खर्चा निकालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एक्चुअली हमें फेक की बॉडी को जलाना है, इसी वजह से मैं पेड़ काट रहा हूँ यहाँ पे। और यार ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब पावरफुल है, ये देखो 3 बार कुल्हाड़ी मारने पे इतना बड़ा पेड़ काट दिया इसने, भाई साहब कितना बड़ा पेड़ है। और ये वाइब्रेट इतना अच्छा होता है ना प्ले स्टेशन का, ये डुअल शॉक कंट्रोलर है, मस्त वाइब्रेट होता है, मतलब प्ले स्टेशन में खेलने की फीलिंग ये लगाती है यार। मैं GTA 5 खेला कंप्यूटर में, कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे इस गेम को खेलने में आ रहा है। बट जो क्रेटोस है, इसके हाथ में कुछ लगा हुआ, कुछ टैटूज वगैरह हैं जो कि गॉड ऑफ वॉर 3 से कुछ लिंक है। और इस गेम में इसका एक बेटा भी है अट्रेयस, उससे ये छुपाना चाहता है ये चीज़ें, दैट्स व्हाई उसने कुछ यहाँ पे लगा रखा अपने हाथ में, जो आप देख पा रहे हैं वो छूट गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यार, क्रेटोस की बॉडी आप देखो, और ये आ गया अट्रेयस, कितना छोटा है ये भी, बहुत छोटा है यार ये। Get in the boat, boy. आवाज देखो इसकी, बहुत भारी आवाज है, बहुत मजा आने वाला गाइस, इस गेम को खेल के बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बस ये वेट कर रहा हूँ कब का फाइट हो, बट इसका सीन बहुत इमोशनली स्टार्ट हो रहा है। और ये देखो इतनी बड़ी लकड़ी इसने अकेली उठा लिया, पूरा का पूरा पेड़ उठा लिया, कमाल है यार। और अब हम चलते हैं यहाँ से, नदी चलते हैं, नदी के थ्रू उसको अपने घर ले आएंगे, अपनी नाव यहीं पे रखी हुई है। Still want me to tie it to the boat? So, ये अपनी बोट है, इससे अपने को उसको बांधना पड़ेगा बेटा। ट्रेस रस्सी लाओ फटाफट से, सही है भाई। अब क्रेटोस को रख लू लकड़ी काटने के लिए, मस्त लकड़ी काटता है ये। और इसने अट्रेस ने इससे बांध दिया है, और ये बोल रहा है इनफ है, पर्याप्त है इतना। और सीन यार, ग्राफिक्स तो मुझे गजब के लग रहे हैं इस गेम के, क्या ग्राफिक्स यार, प्ले स्टेशन होता है, हम अपने सिस्टम में लाखों के ग्राफिक्स कार्ड डलवा देते हैं, इतना कुछ नहीं करते हैं, बट फिर भी इस लेवल की क्वालिटी नहीं आ पाती है। बट इसमें आप देख पा रहे हैं प्ले स्टेशन में गजब की क्वालिटी आ रही है भाई। बस इतना ही चलाना था, इतनी जल्दी हम घर पहुंच चुके हैं गाइस, काफी पास में घर था क्रेटोस का। और इसको अब हमको ले आना होगा, इसकी और कटिंग सेटिंग करनी होगी, तभी फे की बॉडी को जला पाएंगे। वो भाई इतना बड़ा पेड़ ऐसे ही उठा लेता है ये। चलो अटलेस के पीछे पीछे चलते हैं। पानी पानी कहाँ से आया? अच्छा ये बर्फ जो है ना वो पिघल के पानी बन जाता होगा, इसलिए यहाँ पे कीचड़, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, मैंने यहाँ पे कभी बारिश होते नहीं देखा। और ये सीन लग रहा है कनाडा के किसी जंगल का, या फिर किसी साइबेरिया की ठंडी जगह का जंगल है, ये इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता जंगल। भाई कितनी दूर है घर, ये घर आप देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ है पूरा पूरा। सो इसको हम रख देते हैं यहीं पे, रख देते हैं यार, चलो ठीक है।
That was the last. ये हमारा एक्चुअली आपको लग रहा होगा ये फरसा जो है ये क्या है, बट यही हमारा मेन हथियार है, बोले तो अपना ब्रह्मास्त्र है। इसी से हम सारे राक्षसों को किल करेंगे और पूरी स्टोरी ना इसी के अराउंड रहेगा, इसी के थ्रू हम सबको मारेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा एक फरसे से मारना। क्योंकि तो यार बंदूक गन तोप तो बहुत आ जाती है, बट पुरानी चीज़ों से खेलने का ना अलग ही मज़ा होता है। और ये ना फेक ही बॉडी है, यहाँ पे पूरी लिपटी हुई मम्मी आप बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअल में अट्रेस की मॉम है और इसकी मदर की ना डेथ हो गई है और ये लोग अब इसकी ना डेथ वर्जी को जलाएंगे। बहुत इमोशनल सीन यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टार्टिंग इस गेम की। देखते हैं मैं भी इमोशनल हो गया यार बहुत। ये बंदा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड दिखता है बट पेन कितना दर्द में भरा हुआ है ये देख सकते हो। उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। She's ready. बहुत ही दुख की बात है दोनों के लिए, बहुत प्रॉब्लम में है। एक दो तीन चार, इसके भाई 8-10 पैक तो आराम से बने हुए हैं। क्या बॉडी है भाई। अब इसका अंतिम संस्कार करने वाले हम फाइनली फेक ऑफ। आग जलाने का तरीका देखो भाई, क्या आग जलाया इसने, कमाल है। और आग धीरे धीरे पूरी फैल रही है, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लग रही है आग, ऐसा लग रहा है कुछ मतलब चमत्कारी टाइप का लग रहा है। और ये अटलेस के निकाल रहे हैं, ओ इसका तो हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया अटलेस का। I'm sorry. Squeeze. इनकी बॉडी में इनके पास सारा सामान होता है, वहीं से रस्सी निकाल लो, वहीं से तलवार निकाल लो, सारा कुछ आ जाता है भाई। क्या ड्रेस होती थी इनकी पुराने जमाने वाली, मेरे को तो बहुत पसंद है ऐसी ड्रेस, अगर आज भी अगर लोग पहनते तो मैं भी पहनता। और ये चाकू है इसने निकाल लिया है और ये इसको अपने साथ रखेगा और ये बहुत काम आने वाली है इसकी। और जितने ज़्यादा आपके पास औजार रहेंगे ना आपके लिए लड़ना उतना ही आसान हो जाता है। तो अटलेस के पास अभी काफ़ी धनुष भी है, वो उसके पास ये चाकू हो गई, इसके पास एक फरसा है भाई, इस फरसे से ही वही सबको मारेगा। और इतनी लंबी चौड़ी बॉडी पर्याप्त है भाई किसी से लड़ने के लिए। What are we hunting? You are hunting deer. So, अभी हंटिंग स्टार्ट करेगा। एक्चुअल में बात ये है कि जो क्रेटोस की वाइफ थी यानी कि अट्रियस की मॉम फे, उसका ये था कि जब भी उसकी डेथ होगी तो उसने ये कमिटमेंट किया था कि उसका पति यानी क्रेटोस जाए और उसकी जो वो रहती है ना डेथ बॉडीज की जो क्या बोलते हैं हम लास्ट में, वैसे इसमें तो उसका नाम एक्स है बट हम अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको ले आते हैं। तो उसने बोला अस्थियां, तो अस्थियों को वो यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन से मिड गार्ड में सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वहां से जाके बिखेर दें।
अब ये तो कर लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि अट्रियस बहुत छोटा है और उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते, और अगर अट्रियस को लेके जाएंगे रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी और मुसीबत आएंगी, उन सब से हमें लड़ना होगा, उसके लिए अट्रियस को तैयार करना होगा, अदरवाइज अट्रियस को कोई भी मार देगा, तो उस डिफिकल्ट पाथ में जाने के लिए अट्रियस को हमें ट्रेन करना होगा। तो अट्रियस का पहला टास्क आज ये है कि वो एक डियर यानी कि एक हिरण का शिकार करके दिखाए, अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम मान लेंगे वो अपने एग्जामिनेशन में पास हो चुका है और फिर हम चलेंगे, बट अगर नहीं हो पाता तो उसको और बेटर तरीके से ट्रेन करना होगा हमें। सो लेट्स गो। और यहाँ से हमें जंप करना होगा यार, ये तो भी शुरुआत है डिफिकल्टीज की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पाथ हमें इस रास्ते में देखने को मिलेंगे। अगर आप टीवी पे कभी हाथी में एक सीरियल आता था वो देखा हो ना, तो उसमें भी कुछ ऐसी जर्नी थी, एक गोल था, तो इसमें भी वैसी ही जर्नी है और इस जर्नी में यार बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, तो सबसे हमें लड़के जाना है। और सी की जो अस्थियाँ हैं, ओ भाई क्या मस्त हिरण है, ये तो मुझे रामलीला की कहानी लग रही है कि हिरण आ रहा है जादूगर टाइप का, उसका शिकार करना है हमें। मुझे भी यार, ये भी धनुष से ही करेगा। तो ये ब्रिज टूटा हुआ है और अट्रियस ना हमेशा आगे आगे होता है। स्टेप असाइड। सो हमको ना ये निकालना है और L2 से M करना है और इसको साइड करना होगा। जब और देखो यहाँ से कूद जाओ, कूद बेटा, इसको लाना है दोबारा और ऐसे कूद जाना है। ये डियर, ओ नहीं कर पाया शिकारी, इसी बात पे क्रेटोस गुस्सा हो रहा है, भाई क्या कर दिया तुमने, इतनी पास से शिकार नहीं कर पाए, क्या क्या करोगे यार तुम, उसको फायर करना चाहिए था, बस ये एम ही करते रह गया। सिर्फ एम करने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है, तभी जाके शिकार होता है। क्रेटोस को मस्त बनाया लेकिन इस गेम में, मस्त लग रहा है ये। ये क्या है यार, आग वाग जली हुई है। कैसे गुंडे आ गए, इसकी है इसकी टेंशन ले बेटा। अट्रियस तो अभी रेडी नहीं हुआ, हमको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। मैंने मार दिया, अबे मेरे को मारेगा तू, रुक रुक। इनको हवा में ही मार दिया, गजब। ओ ओ बचा, अभी बचा, अभी भी जिंदा बचा है। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, कोई नहीं है भाई। तेरी ऐसी की तैसी, रुक रुक रुक। तेरी ऐसी, ये पहले मरेगा, ये पहले मरेगा। हमको लग गई यार गलती से, तो एक साथ निपटा दूंगा मैं। एनीबडी एल्स, ये जिंदा गया, और कौन है बेटा, आ जाओ। बस इतने ही थे, बस इतने ही आदमी थे, अभी तो ये शुरुआत है, बस कोई नहीं, आगे चलते हैं। आगे कुछ रखा हुआ है भाई, हमारी हेल्थ वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी इसको खेलेंगे तो। वेल्थ तो यहाँ कुछ है नहीं, बस हेल्थ ही इंक्रीज होगी। और यहाँ से आगे चलते हैं, वो ये रहा डियर, इसका शिकार करना है भाई। चलो चलो चलो, We do what we please, ये boy. इसको ओपन करना पड़ेगा। टेंपल के अंदर कोई पुराना ओल्ड टेंपल है, इसी के अंदर हमें जाना है, यही मिलेगा, बट आगे लगता है और भी डिफिकल्टीज हैं।
हमको देखना होगा कौन कौन सी हिरण है, इसका शिकार करना है भाई। We should get closer. क्रेटोस पूछ रहा है कि तुम यहाँ से उसको हिट कर सकते हो, तो अट्रियस ने बोला हमें क्लोजर जाना होगा, पास जाना होगा। अभी ये बंदा तैयार नहीं है हंटिंग करने के लिए प्रॉपरली, बट हमको अट्रियस को हंटिंग सिखानी ही होगी, अदरवाइज ये कैसे लड़ेगा, आगे तो बहुत मुसीबत आने वाली है। ओ अब तो और भी मुसीबत आ गई, इसको मैं पीछे से देता हूँ। दोनों को एक साथ दिया मैंने, अट्रियस बेचारा क्या कर लेगा अकेला। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी लाइफ काफी कम बची है, लाइफ काफी कम बची भाई, मारा जाऊंगा मैं, वो दिख रहा है मुझे। खाना होगा किसे, कैसे भी करके खाना होगा इसको, हेल्थ की अपनी इंक्रीज करनी होगी। अब हो गया, अब हेल्थ फुल हो गई। आ जाओ बेटा तुम्हारी लो लो ले बेटा तू भी ले। बहुत भयानक फाइट हो रही है, ऐसी की तैसी गया। जा बेटा ले, पूरा काट दिया मैंने। और कोई बचा है? ओए कितने आदमी आ रहे हैं, अब मुझे ये खोलना है गेट खोलने के लिए, और गेट पूरा पूरा ओपन हो चुका है, बट मुझे कुछ और भी ट्राई करना होगा यार। ये हम एम करते हैं इस पे गेट को ओपन खोलने के लिए, और ये ना मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया है, तो गेट पूरा पूरा ओपन हो चुका है, बट अगेन यहाँ पे गेट क्लोज है, और ये कैसे ओपन होगा ये तो मुझे नहीं पता। इसको ओपन करने का कोई तो रास्ता होगा भाई, अगर इसके हम पास जाएं। ओ जैसे वो बंद होता है ये ऑटोमेटिक खुल जाता है, ऐसा है। बट हमको अब डियर को देखना है, डियर कहाँ गया उसका शिकार करना है हमें, सो लेट्स गो। और ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है यार, और ये रहा हिरण। अब क्रेटोस सिखाएगा हंटिंग करना, लेट्स बिगिन। चल बेटा क्लियर योर माइंड, स्टेडी योर एम एंड ब्रीथ इन एक्सहेल। ये हो गया काम, हंटिंग में हमने सक्सेसफुल हो गए हैं फाइनली। अट्रियस ने हंटिंग कर लिया इसकी, और इस बात से काफी खुश है ये। बेटा अब तो तू शिकार बन गया, क्या मस्त है इसकी, ये तो मैजिकल लग रहा है ये। नो फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। अभी अट्रियस बहुत ज्यादा नरम दिल है, और वो हंटिंग नहीं कर पा रहा है, मासूम जानवरों को नहीं मार पा रहा है, ये काफी मुश्किल है उसके लिए कर पाना। उसको हिरण को गले से काट के अलग कर दो, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बोल रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अब फाइनली क्रेटोस हेल्प कर रहा है, और ये भाई मेरे से भी नहीं देखा जा रहा है। नहीं इन्होंने फाइनली हिरण को मार दिया अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, गलत किए, बहुत गलत। इस तरह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं भी नरम दिल हूँ उसकी तरह, अट्रियस की तरह। बट जब वॉर में जाते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, ये तो फिर होना ही है ना, हम ऐसे तो नहीं रोक सकते। ओए ये क्या आ गया, व्हाट इज इट,
What is it? Oh no! It's a big rakshas! We're gonna fight that? We have no choice. Atreus बोल रहा है कि आप इससे फाइट करोगे भाई. प्रेस ये कमांड एड्रेस. ओके L2 से एम करना है भाई. बहुत मुश्किल होने वाला है. इससे मुझे बचना पड़ेगा. मैं तो फट रही भाई इससे, सीधा बता रहा हूँ. जो है वो है मैं इससे ऐसे नहीं लड़ पा रहा हूँ बेटा. मुझे क्या करना है मुझे सोचना पड़ेगा. वो भी नहीं गई अब बेटा. वह इसको तो असर ही नहीं होता. इसको ऐसे दूर से ही मारना पड़ेगा बेटा, इतना बड़ा है. मेरी तो भाई डर लग रहा है बहुत इससे. अट्रियस मार बेटा इसको, मार 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 मार. अब ये बेटा उसकी पावर को मैंने हाफ कर दिया है बट ओ नो 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 नो, ये बहुत डेंजर है भाई. असर ही नहीं होता भाई. इसकी पावर मैंने काफी कम कर दी ऑल्डो. ले बेटा. ओ नो नो नो, तो गड़बड़ हो गया. से डरेंगे ना मरेंगे. ले ले अट्रियस. अब अट्रियस मार रहा है इसको अच्छे से. अगर इसने अपने को पटक दिया ना तो अपन एक बार में ही मर जाएंगे. ओ नो 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 नो, काफी मेरे क्लोज आ गया था ये. इसको क्लोज नहीं आने देना है. अट्रियस को इसको भटकाना होगा. अब ये थक गया. मुझे हेल्थ कैप खानी पड़ेगी भाई.
कैप्सूल खा लिया हूँ, मेरी हेल्थ फुल है अब, और अब ये फाइनल बारी आती है। नहीं 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 नहीं, अट्रियस मारो इसको। तो मैंने काफी डैमेज कर दिया है अब। अभी काफी पास आ गया ये मेरे, इसको तो पीछे से दूंगा साले को। नहीं 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 नहीं, इसको भाई दूर से ही मारना पड़ेगा। भाई ये बहुत खतरनाक है। ओ नहीं 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 नहीं, अब बेटा ले। ले बेटा, मुंह में ही ले लिया इसने। एक बार और पड़ेगा तेरे इसमें, मारो इसको। अब ये गया, इसका काम खत्म करते हैं। अब बेटा कहाँ जाएगा तू? फाइनली इसको हमने मार दिया गाइस, एक बार में ही खत्म कर दिया इस बड़े से जाइंट को, और ये बहुत ज्यादा डेंजर था। और अट्रियस का गुस्सा आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा गुस्सा निकाल रहा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बड़ा जाइंट था ये। इससे लड़ना बहुत डिफिकल्ट था यार, बहुत डिफिकल्ट, बट सच में इतनी मजा आई ना, मैं सच में डर गया था इससे। मतलब अंदर तक फीलिंग होने लगती है इनसे जब हम खेलते हैं, लड़ते हैं ना, तो और आपको ही उतना मजा आया होगा इस पे। सो ये है गाइस गॉड ऑफ वॉर का पहला टीजर मान लो इस वीडियो को, और काफी मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।